हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वेजल कॉमर्स बुजी पर। और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने अकाउंट्स का एक सैंपल पेपर तैयार किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। काफी अच्छा सैंपल पेपर है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करे हैं, तो उसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरे से व्हाट्सअप कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। या आप क्या कर सकते हो, साथ साथ आप भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फिर आंसर चेक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस में एनरोल होना चाहते हो, लाइव क्लासेस करना चाहते हो, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो लाइव क्लासेस में, अकाउंट्स ईगो बिजनेस की लाइव क्लासेस चल रही है, उनका बैच नया स्टार्ट हुआ है, पूरा कोर्स कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। ओन वन टाइम फीस में अगर आप एक सब्जेक्ट को लेते हो तो उसकी फीस 700 है, सारे सब्जेक्ट को लेते हो तो 2000 है। तो ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और जो बच्चे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Rishabh Tyagi 1610, वहां पर बेटा मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं अच्छे अच्छे MCQs स्टोरी में डालता रहता। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटी आर री एसेट्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन TSR, क्यों? ऑप्शन ए, एसेट्स एंड लायबिलिटी को शो करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं, गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सैक्रिफाइस पार्टनर इज नॉट पुट टू, हाँ ये सही है, जो हमारा गेनिंग पार्टनर है उसको एडवांटेज ना मिले और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के साथ कोई डिसएडवांटेज ना, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि एक पार्टनर है जो 800 रुपए निकाल रहा है 1 अप्रैल को और 800 रुपए निकाल रहा है 1 अक्टूबर को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगी? देखो 800 रुपए 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो इस पर तो पूरी साल की ब्याज हो जाएगी 800 का 6% 48, और 800 रुपए निकाल रहा है 1 अक्टूबर को तो 800 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 6 महीने और 6%, 24 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि कंपनीज एक्ट के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना फिक्स्ड है, ये तो सर बच्चे बच्चों को मालूम है 90%। फोर्थ है, इनमें से कौन सी सिचुएशन में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इस्तेमाल किया जाएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर गुडविल, नहीं उसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल, नहीं, When at the time of admission goodwill already appears, yes, इसमें जो goodwill already appears होती है वो हमारे पुराने partner से पुराने ratio में बांटी जाती है, and इसका answer होगा only C। Next है, जब हम shares को issue करते हैं face value से ज्यादा price पर तो उसे क्या कहते हैं? सर उसे premium कहते हैं, जिसको हम security premium reserve में transfer करते हैं। अब आपको एक अच्छा question है, A and B partners हैं फर्म के, sharing profit and loss equally आपको दे रखा है 3:2 में, बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं 8000 के और डेप्टर दे रखे हैं आपको 20000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू मेंटेन 10%, अब प्रोविजन कितना मेंटेन करना है 10%, यानी 20000 का 10% कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, देन व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी शोन इन रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट, 20000 का 10% कितना हो जाएगा 2000, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी जो वेटेज एवरेज मेथड होता है ऑफ कैलकुलेट गुडविल कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हमारा प्रॉफिट इक्वल नहीं हो, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, जब एक ट्रेंड शो करता है प्रॉफिट तब उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका WCR बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 80000 का और क्लेम एस्टिमेट किया जा रहा है 1 लाख का, यानी कि 20000 रुपए का क्लेम है वो एक्स्ट्रा है, तो ये जब 20000 घाटा हो गया तो कहां जाएगा सर, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी कि इसका आंसर होगा अगेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला फंडा, इस किससे रिलेटेड है सर, वो इशू कैपिटल, जो आपने शेयर इशू करे हैं कंपनी ने उसका कम से कम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। 1 अप्रैल 2018 को जो एक्स की कैपिटल थी वो है 20000, 1 अक्टूबर को उसने और पैसा लगाया 10000, तो देखो पहले तो 20000 था, कब तक रहा 20000, अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, और परसेंट 6 2 3 0 0 1200 तो ये आ गया, उसके बाद 10000 रुपए उसने और लगा दिए, यानी अब कितने हो गए सर 30000, इस पे 6 महीने का परसेंट और 6%, 1 2 3 0 0 300 × 3 ये आ जाएगा आपको, एक सेकंड दोबारा करते हैं, 30000 × 6/12 = 6%,
कितना हो गया 30,000 होगा। तो ये 2300000 इसको हम अलग अलग निकालेंगे, जैसे कि आपने 20,000 का निकाल दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर हम एक सेकेंड, ये था 3600 आएगा, ये 600 आएगा और ये 900 आएगा, यानी दोनों को जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा आपका 1500, यानी कि डी। उसके बाद आपसे कहा गया है 4000 इक्विटी शेयर 10 ईच इशू करें 8% प्रीमियम पर प्रमोटर्स को। ओके द अकाउंट, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। देखो यहाँ पर हमारा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लग रही है, गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट है आपका 12th की, यहाँ पर दो पार्टनर हैं ए और बी, सी एडमिट हुआ है 1/3 के लिए और उसको गारंटी मिली है कितने की, 1800 रुपए के प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट है 4200। इफ ए स्टूड एज गारंटर ऑफ गारंटी प्रॉफिट टू सी, ए ने गारंटी दी है कि कोई भी कमी आएगी तो वो देगा। आपसे पूछा है हाउ मच प्रॉफिट वुड बी गिवन टू ए। देखो सबसे पहली बार हम निकाल लेते हैं 4200 × 1/3, इसको सॉल्व करोगे 1400 रुपए आएगा। गारंटी कितने की मिली, 1800 की, यानी 400 रुपए कौन देगा, ए देगा। तो अब ए का शेयर कितना है, अब यहाँ पर आपको ए का शेयर तो दिख नहीं रहा, ए का शेयर तो हमको दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर इक्वली हो जाएगा, यानी कि ए को कितना मिलेगा, 1400 मिल रहा था, इसमें से 400 रुपए उसने गारंटी वाले दे दिए, तो आंसर क्या आएगा सर, 1000, यानी कि सी। फिर आपसे कह रहा है कंपनी ने परचेस करी है मशीन 90,000 की और इशू शेयर किए हैं 20% प्रीमियम पर। अब देखो 20% प्रीमियम पर शेयर इशू करें, आपसे फेस वैल्यू पूछा, देखो 90,000 और मैं फेस वैल्यू अगर 100 लेके चलता हूँ, 100 का 20% कितना होगा सर, 100 का 20% 20, यानी टोटल 120। 90,000 को डिवाइड करेंगे इंटू 100, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 70,000। आपसे पूछा है ऑन द एडमिशन ऑफ अ कमिंग पार्टनर, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या होता है, ओल्ड फर्म डिसॉल्व होती है, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, सर ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। 15 में आपसे पूछा गया है एक कंपनी ने इशू करे 12,500 शेयर और उस पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 25,000 की, तो कंपनी ने एलोकेट किए हैं वो किस रेशियो में। देखो 12,500 शेयर हैं और रिसीव कितने करे थे 25,000, तो 1:2 का आराम से रेशियो बन रहा है, यानी इसका आंसर होगा बी। ए एंड बी पार्टनर है बिजनेस में, आपको रेशियो दे रखा है, उन्होंने सी को एडमिट किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/7 ऑफिस शेयर और बी ने किया है 1/3 ऑफिस शेयर। अब आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो बेटा ऑफ वाले केस में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले ए ने कितना दिया सर, ए ने दिया 1/7, ए का शेयर कितना था 7/10 इंटू 1/7, तो यानी कि ए ने कितना दिया सर 1/10, बी ने कितना दिया 3/10 इंटू 1/3, इसका भी 1/10, तो ए के में 7/10 में से 1/10 माइनस करोगे तो 6/10 आएगा और बी में से माइनस करोगे तो 2/10 आएगा, तो इनका रेशियो आएगा वो आएगा 6:2:2, इसको हम 3:1:1 भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाया, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता या जितना लाना था उतना नहीं लाता, तो उसका जो करेंट अकाउंट है वो ऊपर किया जाता है, डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है इफ अ शेयर कैन इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 ऑन विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज फॉरफिटेड, तो जो हमारा शेयर कैपिटल अमाउंट है वो कितने से डेबिट होगा, वो हमारा 10 से डेबिट होगा। 19 है बेटा बी एंड एन दो पार्टनर हैं, रेशियो है 3:2, एस एक नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, एस एक्वायर है शेयर फ्रॉम बी एंड एन इन द रेशियो 2:1, यानी कि जो 1/4 है वो उसने 2/3 सॉल्व करोगे तो वो दिया है बी ने और 1/3 दिया है एन ने, तो सिंपल है कैसे करेंगे 1/4 × 2/3, ये आ जाएगा 2/12, यानी कि 2/12 किसने दिया है बी ने दिया, यानी कि 3/5 − 2/12 करोगे तो सॉल्व हो के आएगा आपका 26/60 और एन का करोगे तो आएगा 19/60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है सीता गीता पार्टनर है भाई, रेशियो दे रखा है 4:1। मीता मैनेजर है जिसको सैलरी दे रही है 4,000 पर मंथ की और कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर है इतना। अब आपको टोटल रेमुनेशन निकालना है उसका, तो देखो 4,000 पर मंथ यानी कि साल का कर देंगे 48,000। उसके बाद प्रॉफिट है 6,78,000 का, जिसमें से सैलरी माइनस करनी है तो ये कितना बचेगा 6,30,000 और इनटू 5% आफ्टर वाला केस है तो 105, तो ये आएगा 30,000 यानी 48,000 और 30,000 78,000। नेक्स्ट है फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन इशू शेयर कंपनी 3 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 फाइनल कॉल पर। पी जिसने 100 शेयर उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेड करा है, जिसने क्यू होल्डिंग 800 शेयर उसने से फाइनल कॉल पेड किया है, आपसे कॉल सीनियर का अमाउंट पूछा। तो देखो पी ने 1,000 शेयर थे जिसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी कि क्या नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल यानी 4 के हिसाब से 4,000 और 800 उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी तो फाइनल कॉल 2 की यानी कि 1,600 दोनों को जोड़ दोगे तो 5,600 यानी कि 20 का। फिर है मैं आपको नीचे दे रखे हैं स्टेटमेंट, असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है, आपको बताना है कि असर्शन सही है या रीजन भी सही है या दोनों में से एक सही है या दोनों सही है, ठीक है ना। देखिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज देन सैक्रिफाइस रेशियो विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको जो असर्शन कहा जा रहा है वो तो ठीक है ओके, लेकिन रीजन क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं होता, ऐसा नहीं होता यानी इसका आंसर होगा सी 22 का सी। 23 आपसे कह रहा है एक्स लिमिटेड 500 शेयर फॉरफिट करें 10 के हिसाब से 7 कॉल्ड अप इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 पर शेयर एट द टाइम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या होगी, देखो बेटा एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा सर 500 × 7 यानी कि 3,500 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट एट द टाइम ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अमाउंट पेड नहीं करा यानी कि 500 इंटू कितना करेंगे हम 500 × 2 1,000 और शेयर फॉरफिट में कितना आ जाएगा 2,500 यानी कि इसकी एंट्री हो जाएगी ए नहीं होगी बी नहीं होगी सी नहीं होगी डी होगी, डी इज द राइट आंसर। फिर है ए एंड बी पार्टनर है पार्टनरशिप में, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ए ज्यादा टाइम देता है एज कंपेरिजन टू बी, आपसे पूछा है ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन, ए को कितना कमीशन मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा सर अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाता है और इंटरेस्ट की लोन 6%। सन एंड स्टार दे रखा है रेशियो 2:1, मून को एडमिट किया गया है एज अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, मून ये एसेट लाया है मशीनरी फर्नीचर स्टॉक कैश, इफ हिज कैपिटल इज कंसीडर्ड एट 3,80,000 तो गुडविल का अमाउंट कितना आएगा। देखो गुडविल का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,00,000 3,20,000 और 80,000 यानी 4,00,000 4,50,000 4,50,000 में से 3,80,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 70,000 आएगा सर 70,000। अब उसका शेयर कितना है 70,000, हमें गुडविल ऑफ द फर्म पूछी है तो उसका शेयर है 2/8, इसको उल्टा कर देंगे 8/2 तो आपका आंसर आ जाएगा 2,80,000 यानी कि बी। अगेन असर्शन रीजन है, असर्शन है आपका इफ अ कंपनी डज नॉट रिसीव द अमाउंट कॉल्ड बाय इट शेयर इट कैन फॉरफिट द शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सही है। रीजन आपको देखा फॉरफिट शेयर कैन बी रीशूड बाय द कंपनी ऑन द टर्म, ये भी सही है यानी कि इसका आंसर क्या होगा, रीजन बस करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। 27 आपसे पूछा है टेबल एफ के अनुसार कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम, ये आपको याद करना। इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ, जब पुरानी गुडविल होती है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटी जाती है, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद 3 पार्टनर है ए बी सी फर्म में 1:2:2 दे रखा, यह काम करते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अगले जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। वीडियो प्लीज जरूर लाइक शेयर करिएगा, ठीक है ना।